अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका शेफ़ हमज़ा शौकत। तो गाइस, आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी इमली की चटनी बन रही है। तो रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में इमली की चटनी तो बनती ही है। समोसों के साथ, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ हम इमली की चटनी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है। मुझे मेरी फेवरेट है इमली की चटनी होगी और खुबानी की चटनी, तो मैं अजाफी बना के रखता हूँ रमज़ान में। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छी लगती होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। हूँ उसका मैं सेव करने का भी तरीका आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इमली का पल्प बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 गिलास पानी डालेंगे पैन में। सत्तर ग्राम इमली डालेंगे। इमली को पहले मैंने इसे वॉश कर लिया था, भिगो के रख लिया था, फिर इसका पानी निकाल दिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो इमली के ऊपर जो अमेजा होता है वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि वो पल्प जो है गुठलियों से अलग हो जाए। अच्छे से जोश दिलवाने के बाद फिर जब पल्प बन जाए तो फिर हम इसे छान लेंगे किसी छाननी की मदद से। तो इस तरह से हम दूसरे बर्तन में छाननी की मदद से निकाल लेंगे और जो गुठलियों के ऊपर वो अमेजा सा लगा रहता है उसे भी हम चम्मच की मदद से इस तरह से कुचल कुचल के, मसल मसल के, यानी कि वो अलग कर लेंगे। नया पैन लेंगे और उसमें जो हमने पल्प निकाला था ये डाल देंगे। और फिर हम इसमें एक कप चीनी डालेंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हरा मिर्च डालेंगे और इसे कुक करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो मिर्चें होती हैं ये कच्ची ना रहें, पक जाएं, गले में ना लगें, इसलिए हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसका अच्छा सा मिक्सर टाइप बन जाए, सोशन पतला सा। ये हम सॉस को गाढ़ी करने के लिए हम ये कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। और फिर हम 7-7 चम्मच भी हिलाते रहेंगे और जो है कॉर्नफ्लोर को भी ऐड करेंगे, इकट्ठा एकदम से ऐड नहीं करेंगे, स्लो स्लो ऐड करते जाएंगे और नीचे से चम्मच हिलाते रहेंगे। चूल्हा मीडियम टू हाई फ्लेम पे होना चाहिए, चूल्हा बंद नहीं करना है इस पॉइंट पे आपने, और इसे मिक्स करते जाएंगे और सारे डाल देंगे। तो मुझे जितनी थिक चाहिए थी मैंने उतनी थिक कर ली। अगर आपको मज़ीद थिक चाहिए तो आप कॉर्नफ्लोर और भी ऐड कर सकते हैं। बाकी मैं आपके साथ बाज़ार वाली जो समोसे वाले समोसे के साथ चटनी आती है उसकी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। समोसे वाले इतनी ही थिक रखते हैं ताकि कम इस्तेमाल और कंजप्शन कम हो। तो ये है कि अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो आप इसे ज़्यादा भी थिक कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल ज़्यादा करके। तो फिर इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे और ये गाढ़ी हो जाएगी। ज़्यादा थिक नहीं कर लेंगे पहले, क्योंकि ठंडे होने के बाद भी थिक होती रहती है, इसलिए हम ये देखें जितनी थिक है इतनी थिक ही रखेंगे और चूल्हा फिर बंद कर देंगे। स्टेप पर आप किसी एयर टाइट जार में डाल के इसे ठंडा करके सेव भी कर सकते हैं, 4 से 5 दिन के लिए इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसे फ्रीज मत कीजिएगा क्योंकि ये फ्रीज होने के बाद जब ये मेल्ट होती है ये ख़राब हो जाती है। तो गाइज, अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।